आज का लेक्चर प्रोफेशनल प्रैक्टिस में जहाँ से आज हमने कंटिन्यू करना है, आज का टॉपिक है रेगुलेशंस एंड कंट्रोल ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप में आपके जो इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर कर जो इंफॉर्मेशन आप रखते हैं अपने पोर्टल पर और उसका आप इस्तेमाल करते हैं अपनी एक्सेस के लिए, फिर उसका जो जैसी बात है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में किसी किस्म का डाटा स्टोर हुआ हुआ है उसको रेगुलेट कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है ताकि कोई अनएथिकल यूज़ ना करे या इलीगली उसका यूज़ ना करे हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर इलीगल तरीके से उसका इस्तेमाल ना हो सके। क्योंकि डाटा प्रोटेक्शन ये जो चैप्टर है, ये जो लेक्चर है, ये डाटा प्रोटेक्शन उसकी डेफिनेशन और इसके उसके मुतालिक जो इश्यूज हैं उस पर मुश्तमिल है। इंट्रोडक्शन ये है रेगुलेशन कंट्रोल ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन का कि हम वी कांट डिनाई द ड्रामेटिकल इम्पैक्ट विच इंक्रीजिंग कंप्यूटराइजेशन हैज ऑन द स्टोरेज प्रोसेसिंग रिटेंशन एंड लीज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा। हम इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते कि आजकल हमारी जो ज़्यादातर स्टोरेज है, स्टोरेज के हवाले से ज़्यादातर डिटेल जो है कंप्यूटराइज हो चुकी है, मैनुअल तरीका ख़त्म हो चुका है। आज हमारी जो फाइल्स हैं, जो डाटा स्टोरेज है, डाटा फाइल्स हैं, वो सारी कंप्यूटराइज स्टोरेज हो रही है। तो ज़्यादातर कंप्यूटर का इस्तेमाल हर फील्ड में इन है और उसकी भी, पर हालांकि ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट है कि हमारा हर एक काम वन पेज पर हो गया। कंप्यूटर का इस्तेमाल करके सिर्फ वहीं पर डाटा सेव कर देना तो हमें किसी किस्म की टेंशन नहीं होती, लेकिन अगर ये अदरवेज के हिसाब से सोचा जाए तो ये एक किस्म का नुकसान भी है। उसको अगर इसमें किसी किस्म की थोड़ी सी भी लैक आए तो वो हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे डाटा को लीक आउट भी हो सकता है। तो बेसिकली मतलब मकसद बताने का मकसद ये है कि आपका डाटा जो आपको आसानियाँ पैदा कर रहा है सेफ में, तो उसको कंट्रोल और उसका मैनेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। Computerization has revolutionized the handling and processing the information to such an extent that the data itself has now become a commodity which possesses commercial value and can be traded on the market in the same way as any other commodity. Computerization aaj itna isme itni inqilab aa chuka hai कि हम अपने डेटा को या अपनी इंफॉर्मेशन को इस तरह सेव कर रहे हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं ट्रेड के तौर पर, आजकल जो भी ट्रेडिंग हो रही है ऑनलाइन का सिस्टम बहुत इन हो गया है, कंप्यूटराइजेशन का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है। आप अगर ट्रेड कर रहे हैं या आप किसी किस्म का इंफॉर्मेशन को हैंडल आउट कर रहे हैं किसी भी मामलात में, जो आपका ट्रेड से रिलेटेड हो, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, आपके फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, या और किसी मामलात में आपके रिलेटेड जो भी डाटा आप कहीं पर सेव करते हैं आजकल कंप्यूटराइज, आज तक मैंने कोई नहीं, जिस जब से ये कंप्यूटर का इन हुआ है ज़्यादातर स्टोरेज जो है मैनुअल से कंप्यूटराइज हो गई और ज़्यादा सिक्योर भी हुई है। अगर आप प्लेटफॉर्म सिक्योर्ड इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा सिक्योर रहते हैं, अदरवाइज ऐसे प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं जिससे आपका एक दफ़ा डाटा होता है जब आप उसको एक्सेस देते हैं, जब बाद वक्त आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप डाउनलोड में जब वो ऐप आपके सिस्टम में आप उसको ऑन करते हैं या रन करते हैं तो वो आपका बाद वक्त एक्सेस मांगता है, आपके फ़ोन कॉन्टेक्ट्स का एक्सेस मांगता है, आपकी मीडियम गैलरी का एक्सेस मांगता है और आपकी ऑल इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर आपके मोबाइल में सेव होती है, कंप्यूटर में सेव होती है, उसका एक्सेस मांगता है। जब इस तरह की सिचुएशंस आ जाती है तो जाहिर सी बात है कि जब उसके पास इसका एक्सेस हो जाता है
जब तक आपको उसकी श्योरिटी नहीं है कि वो ऐप आपके लिए बेहतर है या उस पर कितने लोगों का एतमाद है। जब भी ऐप डाउनलोड करें तो ऐप डाउनलोड में सबसे पहले ये देख लिया जाता है कि कितने मिलियंस, कितने थाउजेंड्स या कितने पर्संस ने उनको डाउनलोड किया है और उनका आगे से क्या रिव्यू है। जब भी ऐप से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से पहले एक दफ़ा उनका रिव्यू ज़रूर देख लिया करें। उससे एक फ़ायदा होता है कि वह जो रिव्यूज़ होते हैं पब्लिकली, एक दो तो उनके अपने ही होते हैं, बाकी के जो रिव्यूज़ होते हैं जो नीचे आ रहे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसमें एक एक स्टार या दो दो स्टार या बहुत ही वर्स्ट अगर एप्लीकेशन है तो वो कोई स्टार भी नहीं देता। पहले जो इसका जो आंसर होता है, यानी कि पहला जो इनका रिव्यू होता है उस पर नहीं, उसके बाद वाले जो रिव्यू होते हैं उस पर गौर करके फिर ही वो ऐप से डाउनलोड किया करें, ताकि वहां से नॉलेज हो जाए। एक तो ये है कि उसने कितनों ने उनको डाउनलोड किया, एक व्यू, ये ऑप्शंस भी वहां पर मौजूद होती है। और दूसरा ऑप्शंस होती है कि आपके पास उसका आपस उसने आंसर में क्या बताया कि ये ऐप ठीक है कि नहीं है। बस का बहुत ज़्यादा इस तरह के आंसर्स मौजूद होते हैं। तो ये दो चीज़ें मेंशन, ये दो चीज़ें जो है इसका मद्देनजर रखते हुए ही किसी भी ऐप को डाउनलोड, जब वो आपके एक्सेस मांगता है सारी डिटेल की, तो बी केयरफुल कि आपका डाटा सारा यूज हो सकता है आपके मोबाइल में। द वैल्यू टू बिजनेस इज ऑल्सो इनहांस बाय द फैक्ट डैट हाउ इजिली एंड सेफली डाटा कैन बी ट्रांसफर अराउंड द ग्लोब। ये चीज़ तो इसमें किसी चीज़ का डिनाई नहीं कर सकते कि बिजनेस का जितना भी क्राइटेरिया है इतना को बढ़ गया है कंप्यूटराइज्ड कि हमारा डाटा हब, कोई भी मैं मिनिमम भी कोई 1% भी नहीं कहूँगा कि हमारा डाटा मैनुअल है। ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, आप किसी को मैसेज कन्वे करते हैं तो ईमेल का इस्तेमाल करते हैं बिजनेस के में। अगर आप किसी को कुछ फाइल सेंड करना चाहते हो कंप्यूटराइज सेंड करते हैं, यानी कि उनका 1% भी ऐसा काम नहीं है जिसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व ना हो। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपके लिए एक फ़ायदे के लिए होती हैं कि जिसमें आपके एक तो फ़ायदा हो रहा होता है लेकिन इसके साथ एक नुकसान भी हो रहा होता है कि आपका डाटा सिक्योर है कि नहीं है। यह था इंट्रोडक्शन। जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर आए और जिस किसी भी बिजनेस के कंप्यूटर प्रोटेक्शन के हवाले से या उसकी सेफ्टी के हवाले से हमारे लिए बहुत आसानी पैदा हो गई है कि आज हम अपना डाटा उस पर आसानी से, यानी कि हर तरह के लिहाज से वहां पर सेव कर सकते हैं और वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है कि हमें बार बार फाइल्स फाइंड आउट नहीं करनी पड़ती, जस्ट वन क्लिक पर आपने अपना डाटा सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इससे पहले आपको चले बाद में बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड जिसमें आप मेंशन है डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। जाहिर सी बात है किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए सबसे में बहुत इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो यही है कि उसके डाटा की प्रोटेक्शन हो और उसको प्राइवेसी मिले। डाटा प्रोटेक्शन रेफर्स टू हाउ योर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन और बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, how you would make sure to protect data of your customers, employees, etc. जो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बात की डाउनलोडिंग पर कि किस किस चीज़ों का मद्देनजर रखना चाहिए, तो जब डाउनलोड हो जाता है, जब वो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो आपके वो फ़ोन से वो आपके कंटेंट, आपके गैलरी, आपके फ़ोन की एक्सेस के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें रिक्वायरमेंट मांगता है। जैसे कि यहाँ पर भी मैंशन है कि डाटा प्रोटेक्शन रेफर वो करता है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल हो रही है, तो वो आपने इस बात की निशानदेही करनी कि आपका डाटा कितना प्रोटेक्टेबल है, इस बात की आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि आपके कस्टमर का, आपके एम्प्लॉइज़ का और अदर एम्प्लॉइज़ जो कि इन सब में आते हैं या आपका इक्विपमेंट है, उनके मुताबिक जो प्रोटेक्शंस हैं वो फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही। और प्राइवेसी के हिसाब से ये था पहला जो पॉइंट था डाटा प्रोटेक्शन के हिसाब से। प्राइवेसी के हिसाब से ये रेफर करता है कि आपको वो फ़ायदा प्रोवाइड करता है
जो कि आपको कोई उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस कंट्री में रहते हुए कुछ लॉ गवर्निंग बॉडीज है जो डिफाइन करते हैं, उसके मुताबिक आपको फायदा दिया जा रहा है, या तो इंडिविजुअल बाय लॉ या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको कोई फायदे की रेफर करते हैं, यानी कि इस मामले में प्राइवेसी आपको प्रोवाइड की जाती है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको एक सीक्रेट रखा जाएगा और या तो एक स्पेसिफिक ग्रुप के हिसाब से उसको मैनेज किया जाएगा। ये प्राइवेसी का एक पार्ट है। नेक्स्ट जो इसका हमारे पास है, जो हमारे पास डेटा प्रोडक्शन उनकी उसके हवाले से नेक्स्ट स्लाइड में जो टॉपिक है, द इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट। अब इंटरनेट के ऊपर हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, रेगुलेशंस कंट्रोल ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो क्या इम्पैक्ट करती है, उसका क्या अंदाज होता है हमारी उस इंफॉर्मेशन के ऊपर। ओरिजिनल चैलेंज तो हमारा यही है कि हमारा जो डाटा की प्रोटेक्शन है उसके लिए जो लॉस ने डिफाइंड एप्लीकेशन की हुई है या उन्होंने कुछ रूल्स और रेगुलेशन निकाले हुए हैं, वो हमारे उस मैकेनिज्म को, यानी कि मैकेनिज्म को इस्तेमाल करने के लिए बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट वे इस्तेमाल करें और हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें डीलिंग के हवाले से, और यानी कि प्रिसाइज परसीव थ्रेट टू इंडिविजुअल प्राइवेसी ऑफ लार्ज सेंट्रलाइज्ड डाटा बैंक्स। बेसिकली आपके पास जो आपका चैनल सबसे बड़ा ये होता है कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिनका डाटा बैंक बैंक से रिलेटेड डाटा होता है और सेंट्रलाइज्ड हो, वो भी आपने डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा होगा, वहां पर क्या होता है, और एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी होती है जहां पर एक जगह पर सारा डाटा रिकॉर्ड पड़ा होता है और बाकी के इंस्टीट्यूट वहां से डाटा एक्सेस करते हैं। इसको कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको एक और लफ्ज बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूट, या सेंट्रलाइज्ड एक पार्ट आप डिफाइन कर लेते हैं जैसे सर्वर और कंप्यूटर का ताल्लुक। तो वहां से अब डाटा का एक्सेस, उनकी प्रोटेक्शन, जाहिर सी बात है वहां पर इंटरनेट का रोल तो आया है, और आपकी सारी जो बिजनेस इंफॉर्मेशन है या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, डाटा वहां पर स्टोर्ड है, तो उसकी प्राइवेसी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वहां से आपको थ्रेट से बचने के लिए आप क्या करते हैं कि वहां सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि कुछ लॉ गवर्निंग बॉडीज वहां पर डिफाइन कर देते हैं कि अगर वहां पर किसी किस्म की वायलेशंस होती है तो उसका इम्पेक्ट और उसके मुताबिक पनिशमेंट क्या होगी और उसको कैसे टैकल किया जाता है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस, मैं बता रहा था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि सेंट्रलाइज्ड होता है, और जैसे डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम में सेंट्रलाइज्ड का कंसेप्ट खत्म किया जाता है, वहां पर ये कंसेप्ट होता है कि आपका डाटा हर जगह जितनी भी साइट्स हैं वहां पर डाटा आपका मौजूद होता है, यानी कि अगर 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 सिटीज हैं, और 5 सिटीज का अपना अपना एक डेटाबेस हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, और सारे मिलकर एक काम कर रहे हैं, सारे मिलकर एक टास्क पर काम कर रहे हैं और हर एक के पास अपना अपना डेटाबेस, इससे रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, रिडंडेंसी का खतरा नहीं होता, और सेंट्रलाइज डाटा बैंक से भी बच, सेंट्रलाइजेशन से भी बच सकते हैं, क्योंकि जब एक जगह से एक्सेस हो तो जब एक से ज्यादा क्यूरी से एक्सेस करने की कोशिश करें तो सेंट्रलाइज बैठ सकता है। तो ये था इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट का पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क हैज चेंज एंड इंटेंसिफाइड द करेक्टर ऑफ द प्राइवेसी प्रोटेक्शन प्रॉब्लम। ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आपका डाटा ग्लोबली पड़ा होता है, नेटवर्क के जरिए आप उसकी एक्सेस करवाते हैं, वो डाटा ज्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट करता है और वो आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आता है। अगर उसमें किसी किस्म का चेंज आए या उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम आ जाए तो वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका यह है द क्वेश्चन विच इज इनएविटेबली बीइंग आस्क्ड इन वेदर द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन फॉर्मुलेशन ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन लॉ इज कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग द अमॉर्फस डिसेंट्रलाइज एक्टिविटी विच अकर थ्रू द मीडियम ऑफ द इंटरनेट एंड वेब। अब यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है इनवाइटेबली,
जिसको कहते हैं कि आप आपका क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह पूछा जाए कि आपकी यानी कि जो जहाँ पर वैल्यू भी नहीं बनती वहाँ इनवाइटेबली का मतलब ये है कि ऐसी बात जिसकी यहाँ पर तोक्को भी नहीं बनती, नागुरेज तौर पर कोई अगर बात की जाए या पूछा जाए, आपकी जो ओरिजिनल फॉर्मुलेशन ऑफ डेटा प्रोटेक्शन है लॉ के मुताबिक उसको कंट्रोल कर रहा हो और उसकी शक्ल एक बेफायदा हो, अमॉर्फस हो, उसकी शक्ल जो है एक बेफायदा हो, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ डिसेंट्रलाइज की। अभी मैंने आपको ऊपर बताया फर्स्ट लाइन में कि आपकी जो प्रोटेक्शंस है सेंट्रलाइज डाटा बैंक को ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर हर एक के पास अपना अपना डाटा बहुत डिसेंट्रलाइज हो तो उधर से ये बात पूछनी भी गवारा नहीं करनी चाहिए कि आपकी जो ओरिजिनल फॉर्मुलेशन ऑफ डाटा प्रोटेक्शन है वो कंट्रोल हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि हर एक के पास डाटा अपना अपना डिसेंट्रलाइज है। तो जब हर एक का पास अपना अपना डाटा है तो प्रोटेक्शन के हवाले से तो उसको इतनी ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक है, ये बात मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो पहला पॉइंट सेंट्रलाइज का और जो दूसरा पॉइंट है आपका डिसेंट्रलाइज का, ये दोनों इससे वेरीफाई कर रहे हैं कि आपके पास कि यहाँ पर क्या चीज मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये था इम्पैक्ट ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट आपके पास वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके डेटा प्रोसेसिंग को रेगुलेट कर रहे होते हैं और उस पर असर कर रहे होते हैं। देयर इज बाय नो मीन्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन। कॉम्प्लिकेटेड एज द इश्यू आर बाय रैपिडली एडवांसिंग टेक्नोलॉजी द ग्लोबल नेचर ऑफ एक्टिविटीज टू बी रेगुलेटेड एंड द वराइटी ऑफ द पॉसिबल रेगुलेटरी अप्रोचेस टू बी फाउंड इन द वेरियस लीगल ट्रेडिशन विद इन द वर्ल्ड। जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली जा रही है, बड़ी तेजी से एडवांस होती जा रही है, तो उसके इश्यूज भी बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी कि अगर मैं हेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लूँ कि जिस तरह टेक्नोलॉजी में इंक्रीज हो रहा है और आपके जो डेटा प्रोटेक्शन की रेगुलेशंस के इफेक्ट रेगुलेशन में भी इजाफा होता है, तो ग्लोबल जब नेचर ऑफ एक्टिविटी आपकी रेगुलेट हो रही हो और आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही हो आपकी डेटा प्रोसेसिंग में, जितनी आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको ये बताया था कि जितना आपको आसानियां पैदा की जाती हैं आपको अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो उतना उसका नुकसान भी होता है। तो दोनों एस्पेक्ट से साथ साथ सोचना चाहिए कि हमारा पास जो डाटा मौजूद है उसका हमें किस लेवल तक फायदा है और अगर इसका थोड़ी सी लैग भी आती है तो क्या नुकसान है। तो वहां पर ज्यादातर जो भी आपकी ग्लोबल तो नेचर ऑफ द एक्टिविटी यही है कि विद इन द वर्ल्ड जितनी भी ट्रेडिशंस एक्टिविटीज हैं आपके टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो आपकी डेटा प्रोसेसिंग की रेगुलेशन पर इफेक्ट करती हैं अगर उसका मिसयूज हो। अच्छा, फॉर्मिडेबल प्रॉब्लम टू ऑफ द पॉलिसीज एंड द इम्प्लीमेंटेशन आर प्रेजेंटेड बाय द अटेम्प्ट टू द रेगुलेट सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस डेट आर टेक्नोलॉजिकल एडवांस वाइडली प्रोफेशनल्स इश्यूज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिस्पर्स रैपिडली चेंजिंग एंड एम्प्लॉयड बाय पावरफुल इकोनॉमिक एंड गवर्नमेंट इंटरेस्ट। इस चीज पर तो हम बयान भी नहीं कर सकते कि आपकी जो पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशंस हैं जो कि रेगुलेट की गई हैं आपकी लॉ गवर्निंग बॉडीज के हिसाब से, उसका अगर किसी किस्म का जो प्रॉब्लम प्रेजेंट किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है, आपकी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है वाइड होती जा रही है आपके प्रोफेशनल इश्यूज भी उसी तरह बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हिसाब से आपके जो भी प्रोफेशनल के हिसाब से जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है जिस तरह आप उसका एक्सेस बढ़ाते हैं उतना ही उसका नुकसान भी होता है। तो जितना चेंज हो रही जा रहा है उतना ही उसके डाटा प्रोसेसिंग के रेगुलेशन पर भी इफेक्ट होता है। यानी कि उसको अब देखें यहाँ पर जो बात है इसको मैं क्लियरली कट समझाता हूँ। जैसे ही आपके डाटा प्रोटेक्शन में इनोवेशन आई तो जाहिर सी बात है अगर उसके मुताबिक आपकी डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से अगर कोई किसी किस्म की इनोवेशन आती है तो उसकी जो प्रोटेक्शन गवर्निंग बॉडीज है वो भी चेंज हो जाएगी।
जारी सी बात है कि आप उस तुम पहले वाला जो आपने उसके आपके पास जो इंफॉर्मेशन थी डाटा प्रोसेसिंग के जो प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे थे, आप उसके मुताबिक अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जैसे ही उसमें आस्ता आस्ता चेंजेस आते हैं या आप नेक्स्ट स्टेप पर वर्जन पर चले जाते हैं, आज आप मोबाइल के 10 वर्जन तक चले गए, एंड्रॉयड 10 तक चले गए, तो उस लेवल तक जाने के लिए जो भी उसमें चेंजेस आती हैं, उस चेंजेस के साथ साथ उसकी डेटा प्रोटेक्शन में भी फर्क पड़ता है। और उस अगर आप डेटा प्रोटेक्शन के हिसाब से आपका जो सोच है, आपने वो यूज किया हो 8 वर्जन और आपका आप सोफे इस्तेमाल कर रहे हो 10 वर्जन, तो 2 का डिफरेंस है तो उसके मुताबिक आपके डेटा प्रोटेक्शन में जो जो चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं उसमें मसला आ सकता है, क्योंकि आप ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। तो ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेगुलेशन ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग। आज के लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।